ठीक है जी टाइम सीरीज टाइम सीरीज टाइम सीरीज ऐसा लग रहा है कि जैसे हम टाइम बेच रहे हैं यहाँ पे ऑब्वियसली टाइम सीरीज हम कभी भी बेच नहीं सकते लेकिन एक आपको बात बता दूं कि टाइम वो कहते ना गया वक्त फिर हाथ आता नहीं है कभी ऐशो दौरान दिखाता नहीं है तो इसी वजह से एक डेटा साइंटिस्ट हमेशा वो बंदा होता है जो गया वक्त हाथ में करके उसको एनालाइज कर रहा होता है तो अगर आप गए वक्त को लिख के रख लें तो हाथ में आ सकता है आई एम जस्ट गिविंग एन अनोलॉजी तो सारी बातें ओपिनियन अपने अपने मैटर करते हैं मुझे सिर्फ एक बात बताएं क्या टाइम नेगेटिव क्वांटिटी के अंदर हो सकता है कभी सुना है कि माइनस पांच मिनट नहीं ना सुना हम ये कहते हैं कि पांच मिनट पहले उस वक्त यह टाइम था तब भी हम टाइम बता रहे हैं सही है कीप इन माइंड कि नेगेटिव के नहीं अंदर आना इसका मतलब यह है कि अगर ईडी आप कर रहे हो नेगेटिव में आपका टाइम है तो देर इज समिंग रॉन्ग विद यू हैव टू डी विद इट और इसी तरह अगर स्पीड नेगेटिव में जैसे मैंने यूनिट की बात की कुछ चीजें नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं होती लेकिन स्पीड जो है आपकी ये बता सकते हैं कि उस साइड को जा रहा है या इस साइड को जा रहा है नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती तो और नेगेटिव नहीं होती पॉजिटिव होती सो देर आर मेनी थिंग्स वी विल सी हेयर इन दिस लेक्चर एज वेल अभी स्टार्ट करते हैं और एक नोटबुक बनाते हैं कि कैसे टाइम सीरीज का डेटा अनाल हम करते हैं रेडी हैं जी आप लोग नहीं भी रेडी तो मैंने कर देना आपको ये रही जी नोटबुक अब मैं बिल्कुल सीरियस इसे बनाता हूँ इफ यू कैन सी दैट एग्जैक्टली यू कैन सी दैट लेकिन मेरा इतने क्यों सारा कुछ इधर उधर है जस्ट अ मिनट यस नाउ इट्स वर्किंग फाइन मैं यहाँ पे ये डिफरेंट नंबरिंग है वो वाली नहीं है जो मैं आपको सेंड करता हूँ सो डोंट वरी अबाउट दैट ओके हमने टाइम सीरीज की एक नई नोटबुक बनानी है एंड यू नो दैट आई एम वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड इन साइडर यहाँ पे गेटअप को पायलट का हम यूज भी करेंगे यहाँ पे ये यह जो चैट आ रही है हमारे पास और इसके अंदर लिखने के लिए भी बट ऑन दी एंड वी विल ऑल्सो राइट सम कोड और कोड जो है मैं आपके साथ यहाँ पे लिखता जाऊंगा सबसे पहली चीज हमने जो डेटा लेना है टाइम सीरीज का डेटा ऑनलाइन लेना है So, मैं यहां पे लिखता हूं टाइम सीरीज एनालिसिस ऑन द डेटा जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल एयरलाइन पैसेंजर्स फ्रॉम 1940 टू नाइनटीन सिक्सटी ये एक डेटा सेट ऑनलाइन मौजूद है इसके ऊपर हम काम करने वाले हैं अब यहां पे सबसे पहले हमने क्या करना है इंपोर्ट लाइब्रेरीज उसके लिए हमें चाहिए जी पांडास क्योंकि इसके अंदर हमने टाइम सीरीज के डेटा को एनालाइज करना बाय द वे सबसे पहले मैं अपने कर्नल साहब यहां से चूज कर लूं ताकि ये मसला ना करें और मैं कोशिश करता हूं यहां से पाइथन इन्वायरमेंट के अंदर टेंसर फ्लो वाली चूज कर ले तो अपना एन्वायरमेंट जो लाइब्रेरी ना हुई हम इंस्टॉल कर लेंगे दूसरी नम्पाई है तीसरी मैटप्रॉलिप है चौथी सीबॉन है

सो वी विल सी के जो जोन सी लाइब्रेरी हमने फर्दर यूज़ भी करनी है वो भी यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे इफ़ वी डोंट हैव एनी लाइब्रेरी तो मैं यहीं पे यूज़ एंड इंस्टॉल करूँ सो एवरी थिंग इज वर्किंग यहाँ पे मैंने कर लिया अब मैं डेटा फैच करता हूँ डेटा फैच फ्राम गिटा तो उसके लिए जो यू आर एल है वो ये है कदरे मेरे ख्याल से यही वाला यू आर एल है पर अदरवाइज इट शुड बी डिफरेंट मेरे ख्याल से यही है मैं यहाँ पर यू आर एल को रन करके देखता हूँ बाद में तो आप क्या करते हैं इसको हम डी एफ डॉट पी डी डॉट रीड सी एस वी करके हम रन करके देखते हैं और बाद में इसको हेड कर लेते हैं डी एफ डॉट लेट सी के डेटा कैसा है अगर हमारे पास फैच होता है अगर ना हुआ तो हम ऑनलाइन देख लेंगे एंड इट इज गिविंग मी an एच टी टी पी नॉट फाउंड सो लेट सी यहाँ पे फिक्स यह का फंक्शन होता है ये मैजिक बटन इसके थ्रू ये फिक्स करने लग जाता है डेटा और आता है कोई डेटा हमारे पास आ गया डॉट करते हैं नो दिस इज डिफरेंट डेटा दिस इज नॉट दैट डेटा तो मैं इसको सर्च करता हूं ऑनलाइन इंटरनेशनल एयरलाइन पैसेंजर्स डेटा फ्रॉम 1960. इसका यू आर एल फाउंड करते हैं हम केगल के ऊपर के इसकी पूरी नोटबुक है बाय द वे इफ़ यू डोंट नो अबाउट दैट मैं उसका यू आर एल वहाँ से देखता हूँ एक तो केगल पे जब भी जाओ ना ये कहता है ऑनलाइन हो पहले लॉग इन करो मैं आपको लिंक उसका भेज रहा हूँ यहीं पे चैट के अंदर केगल की जो हमारे पास डेटा सेट है उसका अब यहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं डेटा को खुद भी साथ साथ अगर प्रैक्टिस करते जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है ये हमारे पास एयर पैसेंजर्स का डेटा आ गया ठीक है तो टाइम की बेस पे हमारे पास पैसेंजर्स का डेटा है यहाँ पे ठीक है बेसिक एक डेटा सेट है हमारे पास टाइम की बेस पे जीरो एक उन्नीस सौ उनचास से लेके और ये जा रहा है उन्नीस सौ साठ तक ठीक है बेसिक डेटा सेट है दिस इज नॉट आई I मीन mean, अ बिग डेटा सेट सिर्फ बेसिक डेटा सेट है हम इसकी बेस पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि कैसे काम कर रहा है और हम ग्राफ पढ़ना सीखेंगे यहाँ से तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ यू आर एल को रिमूव करता हूँ पी डी डॉट रीड सी एस वी इसके बाद यहाँ पे जो हमारा डेटा सेट है दैट इज एयर डॉट सी एस वी एंड आई थिंक इट वुड बी वर्किंग सी स्पेलिंग गलत है एयर पी ए डबल एस ई हम सिंपली एक फिगर ड्रॉ करते हैं सादा वाली टेन बाई सिक्स की और इसमें ऑटोमेटिकली मुझे कोड देते जाना है डेटा हमारे पास मंथस का है और हमारे पास नंबर ऑफ पैसेंजर्स एंड इट विल शो लाइक दिस लेट सी दिस इज हाउ द डेटा लुक्स लाइक सिंपल डेटा सेट तो टाइम सीरीज की बेसिक एलगोरेथम अगर आप देखें तो सिंपली आपके पास कौन सा प्लॉट यहाँ पे बन रहा है अगर आप गौर करें आपने सिंपली प्लॉट बनाया यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मंथ रखे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ पैसेंजर्स रख दिए और आपने प्लॉट करके इसे लगा दिया इस प्लॉट को हम बोलते क्या है ये लाइनें नजर आ रही है ना अगर हमने सेम प्लॉट बनाना हो सी बोन के थ्रू तो हम कैसे बनाएंगे डॉट कौन सा प्लॉट बनाएंगे जी यहां पे अगर मैं यहां पे लिखूं विद सी बॉन लाइन प्लॉट सिंपली एंड इट विल बी द सेम वन ठीक है इस तरीके से ये चलता है और आप यहाँ पे पी एल टी डॉट शो ना भी लिखें तो इट्स फाइन तो ऐसे ना आपको पता है स्टार्ट में हमने किया था अब आप गौर करें यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है यहाँ से आपके नंबर ऑफ पैसेंजर्स स्टार्ट हुए और यहाँ पे बढ़ गए अगर आप यहाँ पे एक और चीज़ पे गौर करें हमारे पास ये पूरे का पूरा डेटा सेट जो है वो डिफरेंट टाइम स्टैम्स के ऊपर है यहाँ पे हर महीने का डेटा है तो ये मंथली आपका डेटा मूव कर रहा है आगे पहली चीज़ तो ये याद रखें कि आपके पास टोटल मंथ्स का डेटा है उन्नीस से लेके उन्नीस तक और हमारे पास एक चीज जो मिसिंग है दैट इज शेप ऐसे है जी एक सौ चवालीस डेटा पॉइंट है और दो कॉलम्स है इसका मतलब 144 हमारे पास टोटल डेटा पॉइंट इसका एक और मतलब है एक साल में कितने महीने होते हैं बारह तो चवालीस को बारह पे डिवाइड करें तो बारह बारह बार एक सौ चवालीस होता है ना इसका मतलब ये हुआ के हमारे पास हर साल का बारह डेटा पॉइंट है ठीक है सिर्फ सेंस बनाने के लिए सेकेंड ये नंबर ऑफ पैसेंजर्स है और अगर आप गौर करें ये नंबर ऑफ पैसेंजर्स क्या कर रहे हैं स्टार्ट से एंड तक क्या हो रहा है नंबर ऑफ पैसेंजर्स को बढ़ रहे हैं ठीक है लेकिन हमारे पास अब हम देखते हैं कि इसको डिफरेंट सेट्स के अंदर डिकम्पोज कैसे किया जा सकता है तो हम क्या करेंगे डीकम्पोज करेंगे इसी डेटा को डीकम्पोज द डेटा डी करते हैं हम तीन चीजों में ईटीएस के अंदर ठीक है या हम ट्रेंड सीजनैलिटी तो उसके लिए बाकायदा हमने सीजनल वाला जो एक फंक्शन है हमने स्टैट्स मॉडल की लाइब्रेरी का उसको निकाला ठीक है थीके? उसको हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे सीजनल डीकम्पोज के तौर पे समथिंग लाइक दिस और हम क्या करेंगे पैसेंजर्स और मॉडल्स को हम मल्टी एप्लीकेटिव मॉडल यानी कि पीरियड 12 का रख के अपना सीजन को चेक करेंगे क्योंकि मैंने आपको पहले बताया 12 का पीरियड है फिर अगला आता है फिर अगला आ रहा है फिर अगला आ रहा है लेट्स सी दैट और हम डीकम्पोज को प्लॉट भी करते हैं कुछ समझ आई आपको क्या हुआ यहाँ पे हमारे पास सीजनल इस तरीके से आया डेटा ट्रेंड इस तरीके से आ रहा है और हमारे पास रेजिड्यूल्स इस तरीके से आ रहे हैं तो हमारे पास तीन मेन प्लॉट्स आ रहे हैं तो जो सबसे ऊपर वाला प्लॉट है ये किस चीज को शो कर रहे है? अगर आप गौर करें इस प्लॉट के ऊपर और इस प्लॉट के ऊपर कोई सिमिलैरिटी नजर आ रही तो ये होता है आपका ओरिजिनल डेटा यार दो लाइनों के अंदर पूरा का पूरा डेटा आपका तो उठ के सामने आ गया मजा आया ना कोडिंग का

Here. तो ये वही ट्रेंड है ना यहां से स्टार्ट हुआ यहां पे बढ़ा सिंपल ठीक है और शुरू से एंड तक गया अब चलते हैं आगे सीजनल सीजनल हमारे पास क्या चीज हो रही है अगर आप गौर करें हमारे पास यहां पे सीजन की बेस पे अगर गौर करें तो एक हमारे पास स्पेसिफिक किस्म का पैटर्न आ रहा है ठीक है और अगर आप डेटा पे गौर करें यहां पे भी हमारे पास स्पेसिफिक किस्म का पैटर्न आ रहा है तो सीजन की डेफिनेशन क्या थी जी मैंने आपको सीजन की डेफिनेशन बताई थी ना कि सीजन क्या होते हैं सीजनैलिटी की हमने अभी डेफिनेशन देखी थी थोड़ी देर पहले फिर साइक्लिक पैटर्न्स की देखी थी सीजन था द वेरिएशन इन डेटा एट ए स्पेसिफिक टाइम पॉइंट ठीक है अब यहां पे क्या हो रहा है हमारे पास अगर आप गौर करें तो हमारे पास स्पेसिफिक वेरिएशन जहां पे हो रही हैं एट स्पेसिफिक इंटरवल वो हमारे पास आ रहा है डेटा ठीक है और ये चीजें सीजन को शो करती हैं. विल सी इन डिटेल्स और इसको और भी डिकम्पोज करेंगे फिर हम आगे चलते हैं रेजिडियो की तरफ दिस इज समथिंग जो हमें एरर्स दिखा रहा होता है कि इसके अंदर एरर्स कितनी है और कहाँ पे किस वेज में आगे इंट्रोड्यूस की जा रही है तो रेजिडियोज को फॉर्मूला और इसके वगैरह हम देखेंगे लर्न कि ये हमारे पास किस तरीके से आता है ठीक है अब अगर ये मेरे पास दो प्लॉट बने हुए लेटमी सी

अब जब हम बड़े डेटा सेट को देखते हैं तो हमारे पास डिफरेंट किस्म की चीजें आ रही थी क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो कॉलम्स हैं और एक हमारे पास क्वांटिटी है सेकंड डेट है एंड दैट्स इनफ फॉर नाउ टू लिक इन टू दिकम्पोज हमने कर लिया इसके अलावा हमारे पास और हम क्या कर सकते हैं डेटा सेट में वो देखते हैं अगर आप चाहें तो ये इन तीनों चीजों को सेपरेटली सेव भी कर सकते हैं अपने पास ट्रेंड सीजनेलिटी एंड रेजिडूल को अगर इसको सेव करना हो यू कैन रन लाइक दिस फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ट्रेंड का ठीक है और इसकी बेस पे हमने ट्रेंड को लिया इसी तरीके से सीजनल को और इसी तरीके से रेजिडुअल को हम इन तीनों को बेसिक तरीके से यहाँ पे एक सेपरेट वे में सेव कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो सेपरेट भी उनको प्लॉट कर सकते हैं समथिंग लाइक दिस ठीक है तो ये पांडास की लाइब्रेरी का फंक्शन होता है प्लॉट डॉट प्लॉट डॉट बार डॉट लाइन ये पांडास के अंदर होता है ऑटोमेटिकली आप एक डेटा फ्रेम को प्लॉट कर देते हैं राइट right जी अगर नहीं प्लॉट करना तो इस तरीके से आपके पास वो बेसिकली आपको एक अरे दे रहा है एक सो चवालीस नंबर की ठीक है और ये सीजन को शो कर रहे हैं डॉट प्लॉट तो अक्सर वो कहा था आप इनको सेपरेट रख के आपस में फिर कंपेयर भी करते हैं कि, कि कितनी कितनी वैल्यूज आ रही है फॉर एक्साम्पल अगर मैं रेजिट्यू को यहाँ पे देखूँ तो हम डॉट डीकम्पोजिड resid, और ये वैल्यूज इसकी आ रही होती है अक्सर आपके पास नैन आ रही है अक्सर आपके पास डिफरेंट किस्म की वैल्यूज आ रही होती है तो अगर आप यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास यहाँ पे ये यह सारे की सारी रेजिड्यूज की वैल्यू सो वी विल सी दैट लेटर ऑन कि किस तरीके से ये बड़ी सेंस बनाती है फॉर नाउ वी हैव टू डीपोज द डेटा इन टू ट्रेंड एंड समथिंग लाइक दैट ट्रेंड हमें क्या बता रहा है यहाँ पे ट्रेंड बता रहा है कि डेटा बढ़ता ही गया है ठीक है, डेटा रुका नहीं है बढ़ता ही गया बढ़ता ही गया डेटा क्या एक डेटा सेट में डिफरेंट ट्रेंड्स हो सकते हैं या नहीं जी बेस्ड ऑन टाइम हो सकते हैं ठीक है दूसरी चीज ये जो एक्स एक्सिस आ रहा है ये हमेशा कौन सी चीज होगी टाइम सीरीज के डेटा में

ओके okay. ट्रेंड आ गया हमारे पास सीजन आ गया right. इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं इस डेटा सेट पे इसको मैं ऐसे ऐसे करके देखता तो आपको मैं दिखा देता हूँ डी एफ डॉट हेड इसको मैं रन करता हूँ यहाँ पे आके कंट्रोल आई और यही क्वेश्चन हम इससे पूछते हैं वो कह रहा है कि आप इसे टाइम सीरीज फोरकास्टिंग मॉडल भी प्रिपेयर कर सकते हैं टू तो प्रिडिक्ट फ्यूचर वैल्यूज ऑफ द नंबर ऑफ एयर लाइन पैसेंजर्स करें फिर मॉडल प्रिडिक्ट लेट्स सी कॉपी हाँ जी हमारे पास <coughs> यहाँ पे लर्न के थ्रू उसने हमें एक मॉडल बना के दिया विच आई विल ट्राई टू रन उसने असल में किया क्या है सारे के सारे डेटा को एक जनरलाइज लाइन के अंदर ट्रेंड की फॉर्म में लिख दी यानी के उसने इस सारे डेटा में से एक लाइन गुजार दिया विच वॉज अ ट्रेंड लाइन और उसने बोला कि इसकी बेस पे हमारा मॉडल जो है वो ट्रेन हो रहा है तो लीनियर रिग्रेशन हो जाएगी मतलब ये कि जितने मंथ्स के डेटा हमारे पास आएगा उतनी बेस पे हमारे पास यहाँ पे फोरकास्ट आती जाएगी एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे जो हमने मॉडल को लीनियर रिग्रेशन के अंदर ट्रेन किया है ट्रेनिंग डेटा हमारे पास बेसिकली ट्रेन डेटा और टेस्ट डेटा हमारे पास आ गया है एटी ट्वेंटी के पास फॉर एग्जाम्पल ट्रेन साइज हमारे पास है एटी ऑब्वियसली जो टेन जो हमारे पास टेस्ट होगा वो डिफरेंट हो जाएगा तो यहाँ पे ट्रेन साइज एंड टेस्ट साइज हमने दोनों को ट्रेन और टेस्ट में कन्वर्ट कर, कर दिया डेटा को डिवाइड करने के बाद एंड देन यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन को हमने मॉडल को लेके आए हैं एस के लन के थ्रू लीनियर रिग्रेशन लगाया वही फिट का मॉडल है इंडेक्स डॉट वैल्यू को रीशेप करने के बाद ट्रेन इन टू पसेंजर के ऊपर हमने ट्रेन कर दिया दिस वर्कस लिटअ बिट डिफरेंट दैन द नॉर्मल डेटा सेट क्योंकि हमने एक ट्रेंड लाइन गुजारनी होती है फिर हमने इंडेक्स वैल्यूज़ की बेस पे उसको आगे लेके गए हमने इंडेक्स को क्यों यूज किया है यहाँ पे डी एफ डॉट है हम करें तो हमारे पास कुछ डेटा इस तरीके से जा रहा है और मैंने आपको बोला था कि इंडेक्स यहाँ पे कौन सी चीज होती है टाइम टाइम की बेस पे हम सारा कुछ कर रहे होते हैं ठीक है इस वजह से इंडेक्स की टर्म यूज हुई है तो मैं भी आपको ये मॉडलिंग के अंदर नहीं ले जा रहा मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि हमारे पास एक्चुअल जो है ये और प्रिडिक्टेड इस तरीके से जा रही है तो इसका मतलब क्या है कि आ, क्या हम इस पर लीनियर रिग्रेशन लगा सकते हैं सिंपली क्योंकि एक्चुअल तो ना और so really वगैरह तो नहीं ना आए यहाँ पे वो जो एक बात की जा रही थी ना उसकी बेस पे अगर देखा जाए तो एक्चुअल और प्रेडिक्टेड के दरियान ये फर्क है क्योंकि हमने ट्वेंटी रखा हुआ था ना डेटा शो करने के लिए तो हमारे पास एक मंथ का से लेके एक में मंथ तक का डेटा है जो प्रोडिक्ट उसने इस तरीके से लीनियर ट्रेंड में किया विच इज नॉट गुड सो वट एल्स कैन वी डू अगर मैं इसको बोलू यहीं पे दिस मॉडल डज नॉट कंप्लीट कंप्लीटली शो द फॉर कास्टिंग ट्रू यूज एक्स पोस्ट मॉडल लेट्स सी ये क्या करता है एक्सेप्ट करता हूँ मैं इसके अंदर मेरे पास एक्सडी बूस्ट नहीं है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अपना जो जुपिटर ने पाइथन एनवायरनमेंट मैं आर कहाँ पे ले आया पेंसो फ्लो भी नहीं चलाना सिलेक्ट अनदर कर्नल पाइथन एनवायरनमेंट और मैं यहाँ पे साइकिली जो मशीन लर्निंग पाइथन स्कोर मशीन लर्निंग वाली कर्नल को यूज करता हूँ ऊपर वाले सारे रन करता हूँ दोबारा से एंड नाउ बूस्ट विल क्योंकि मेरे दूसरे कर्नल में एक्सी बूस्ट नहीं था लेट्स सी अब एक्सी बूस्ट कैसे काम करता है हाँ जी काम खराब हो गया क्योंकि पैरामीटर ट्यून नहीं है हमारे पास एक्सी बूस्ट का अब यहां पे हम रैंडम फॉरेस्ट यूज करते हैं मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि पावर ऑफ गिटहब को पाइलट किस तरीके से आपको काम दे सकती है फेल टू मेक रिक्वेस्ट लेट्स सी अगेन अगेन समथिंग इज रॉन्ग वी हैव टू सी दैट लेट्स सी मैं कोई कोडिंग नहीं कर रहा यहाँ पे मैं सिर्फ उसके साथ बातें कर रहा हूँ एंड देन इट इज प्रेडिक्टिंग समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग स्टिल इज नॉट वर्किंग ग्रेट ठीक है लेट्स ट्राई टू यूज अनदर मॉडल फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ ये जी हमारे पास एक्सट्रेन आ गया और यहाँ पेरास मॉडल मुझे स्विच करना पड़ेगा अगैन वाली लाइब्रेरी पे सबसे ऊपर वाले सारे में करता दोबारा क्योंकि मैंने वर्बो जीरो रखी है इस वजह से उसका कुछ भी इतना शो नहीं होना ई पॉक्स का Let's see. Giving an error. मतलब इसको अगर आप यूज करते हैं गेटअप इनसाइडर इसको गेट को एक्स को वर्थ द मनी स्पेंड अदरवाइज आप कॉपी पेस्ट करके चैट जीपीटी पे लिख सकते हैं या प्रेक्सिटी पे लिख सकते हैं हाँ जी क्या हाल है चार ट्राइंगों के बाद एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड कुछ इस तरीके से आ रही है विच इज रियली क्लोज और मैंने जीरो मॉडल क्रिएट किया है खुद से और यही है फ्यूचर सीधी सी बात है कोडिंग सीखें जरूर बंदे को आनी चाहिए और आपको पता है कोडिंग के, के अंदर सिक्वेंशियल क्या है डेंस क्या है कंपाइल क्या है ये तो पता है ना चीजें आपको जो हमने पहले पढ़ी सिर्फ यहाँ पे मसला क्या है हमने ट्रेन और टेस्ट के अंदर और दूसरा डेटा लिया ठीक है और उसके अंदर हमने जिस को पे और को रखा है, उसमें हमने डिफाइन uh, किया कि इसका ये ट्रेंड है और फ्लॉचीज का ये ट्रेंड मॉडल ट्रेन होके आ गया है जस्ट रैन हंड्रेड ई पॉक्स बैट साइज टेन एंड वर्बोस जीरो अगर मैं इसकी वर्बोस वन करूं तो यू कैन ऑल्सो सी द एक्यूरेसी एंड लॉस एंड अदर पैरामीटर्स और यहाँ पे हमारे पास जो लॉस है वो बेसिकली मीन क्योर एरर का है अगर मैं यहाँ पे एक और मैट्रिक लिखूँ मीन क्योर एरर

तो हर ई पॉक के हमारे पास लॉस यानी कि मेन के एरर आ रहा है और वो आता आहिता क्या होता जा रहा है कम होता जा रहा है अगर आप गौर करें ठीक है एंड एट एंड हमारे पास ये और मॉडल अच्छा ट्रेन हो रहा है जितनी दफा मैं इसको रन करूंगा ये अच्छा ट्रेन होता जाएगा सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली क्रिएट योर ओन मॉडल मैंने सिर्फ आपको गो थ्रू करवाया अभी मॉडल हमने खुद से क्रिएट भी करना है एंड देन वी विल सी कि किस तरीके से इसमें इनपुट और आउटपुट देनी यहाँ पे ये तो मैंने कर दिया आप यकीन मानें अगर आप ये वाला कम्बिनेशन यूज़ करते हैं या आप कोडियम भी यूज़ करें इट विल वर्क रियली फाइन आप यहाँ पे लिख के भी इससे पूछ सकते हैं या आप इसी कोड में जाके आप इसका लॉस एंड वैलिडेशन को भी चेक कर सकते हैं एट द वैलिडेशन एंड देन एट द एंड आपके पास प्रोडिक्शन कुछ इस तरीके से आएगी सो देर आर मेनी पॉसिबिलिटीज़ विद दिस डेटा सेट यू कैन डू मैं यहाँ पे इसको करता हूँ स्टॉप